हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपने चैप्टर का आगे का देखेंगे, पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरीके से नंदू जो है उसे अपने वो अपने एक ग्रुप में रहता है जिसमें फीमेल एलिफेंट्स रहते हैं, बेबी एलिफेंट्स रहते हैं। तो वो सारा उनका जो हर्ड होता है, जो झुंड होता है एलिफेंट्स का, वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं। तो जंगल की तरफ जाने के बाद वो लोग खूब सारे पत्ते और डालियां खाने के बाद वो एक नदी के किनारे जाते हैं। तालाब और नदी के पास जाने के बाद वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। तो बस अब आगे का उसमें ही हम देखेंगे कि और उन्होंने नदी के किनारे क्या किया। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने देखा कि पानी में ये देखिए उसके भाई जो बहन है वो लोग खेल रहे हैं और एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं, एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। वो सोचता है कि अच्छा ही है कि मैं उन लोगों के पास ना जाऊं, मैं यहीं पे रहूं। वो खड़ा रहता है नदी के किनारे। व्हाट इफ दे फॉल ऑन मी। वो सोचता है अगर मैं गया और वो कहीं मेरे ऊपर गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother. वो चुपचाप दूर से खड़े होकर अपनी मम्मी के पास खड़ा रहता है और देखता है कि भाई बहन उसके खेल रहे हैं नदी में। अम्मा gently pushed नंदू towards the water. तो जो अम्मा है वो धीरे से नंदू को उसकी जो मम्मी है वो नंदू को धीरे से पानी की ओर धक्का देती हैं, as if she was telling him to go and play. कि वो जाए और नदी में उन जो उसके भाई बहन कजन्स जो खेल रहे हैं उनके साथ वो भी खेले। नंदू लव टू प्ले इन दी वाटर। नंदू को वाटर में खेलना बहुत पसंद। हिज कजन्स वर ऑलरेडी देयर। उसके जो कजन्स हैं वो तो ऑलरेडी पानी में ही थे। तो जैसे ही नंदू जाता है पानी में, जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। तो जैसे ही वो नदी में जाता है एक बड़ा सा फुहारा, फाउंटेन मतलब ये देखिए पानी का फुहारा। आप कभी गार्डन में गए होंगे, बगीचे में जाते हैं तो देखते हैं ऐसे पानी के फुहारे निकल रहे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कई बार वो दिखते हैं हमें, तो उसको फाउंटेन कहा जाता है। तो इस तरीके का पानी का फुहारा उसके सिर के ऊपर आ गिरता है। ही गॉट वेट। वो गीला हो जाता है पानी गिरने से। ओ दिस वॉज दी वर्क ऑफ हिज नॉटी कजन्स। ये कौन करता है मस्ती उनके साथ, नंदू के साथ? उसके कजन्स करते हैं। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम। और धीरे धीरे फिर नंदू उनको ज्वाइन कर लेता है, वो भी खूब मस्ती करने लगता है। फिर क्या होता है, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल। तो जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, सनसेट मीन्स कि जब सूरज ढलने वाला होता है, तो जो ये हर्ड है, जो ये झुंड है, वो कहाँ की ओर बढ़ता है? दोबारा जंगल की ओर। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। नंदू बहुत ही थक चुका होता है। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल एस्लिप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। वो इतना थक गया होता है कि वो क्या करता है, खुद को अपनी मम्मी के पैरों के बीच में सेट करता है और वहीं सो जाता है मम्मी का मिल्क पीने के बाद। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। हमने देखा इस चैप्टर में, हमने क्या पढ़ा कि नंदू जो है, नंदू जो कि एक एलिफेंट है, और उनके ग्रुप के बारे में पढ़ा, जो हर्ड यानी झुंड, उस झुंड के बारे में हमने इस चैप्टर में देखा। अन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। तो जो एलिफेंट हर्ड है, जो एलिफेंट का झुंड है, उसमें कौन कौन रहते हैं? बेबी एलिफेंट्स एंड फीमेल एलिफेंट्स। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। तो जो सबसे बड़ा जो एलिफेंट होते हैं उसमें, जो बड़ी हाथी होती है, वो क्या होती है? लीडर होती है उस झुंड की। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। तो एक जो हर्ड होता है, एक जो झुंड होता है, उसमें कम से कम 10 to 12 एलिफेंट्स, यंग एडल्ट एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, उनके यंग वंस होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड।
तो जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, जो बेबी एलिफेंट्स जो मेल होते हैं, वो 14 to 15 years तक ही रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हर्ड छोड़ के, उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और वो अकेले ही उस झुंड से निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड वेन ही इज दैट ओल्ड, नंदू भी उस हर्ड को, उस झुंड को छोड़ देगा जब वो इतना बड़ा हो जाएगा। लाइक एलिफेंट्स, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टूगेदर इन अ ग्रुप्स। तो एलिफेंट की तरह और भी दूसरे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड, तो इस जो एनिमल्स का ग्रुप होता है ना, उसे झुंड कहा जाता है, जिसे हर्ड इंग्लिश में कहा जाता है। एनिमल्स इन हर्ड यूजुअली मूव अराउंड टूगेदर सर्चिंग फॉर फूड, तो ये जो झुंड में, जो हर्ड में होते हैं एलिफेंट्स, वो लोग जनरली फूड की सर्चिंग के लिए एक साथ हर्ड में घूमते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।